वासुकी नाग एवं मंदार पर्वत की सहायता लेकर समुद्र मंथन आरंभ किया था। दोनों गुटों में तय हुआ था समुद्र मंथन के पश्चात यदि अमृत प्राप्त हुआ तो दोनों कुल ही उसे ग्रहण करेंगे, परंतु सागर मंथन से प्राप्त हुए सारे संपाद देवताओं ने आत्मा स्वाद कर लिया और जब अमृत प्राप्त करने का समय आया तब देवताओं ने असुरों को अमृत देने से मना कर दिया। यदि असुर कुल सागर मंथन में सहायता ना करते तो संभवतः अमृत प्राप्त संभव ही नहीं हो पाता, परंतु श्री हरि विष्णु ने मोहिनी नारी का रूप धारण करके असुरों के साथ छल किया। अंततः असुरों को वंचित कर देवताओं ने संपूर्ण अमृत को ग्रहण कर लिया और वो लोग अमर हो गए और हम असुर जीवन भर के लिए रह गए देवताओं के पैरों के तले। असुरों के प्रति देवताओं का ये आचरण क्या अन्याय नहीं है? अन्याय नहीं है? सुनो घोड़ासुर, असल में शक्ति अर्जित करके भी शक्ति का उपयोग करने में तुम असमर्थ हो। ये सब आप क्या बोल रहे हैं गुरुदेव? इन्होंने तो उचित ही कहा है पिताश्री। क्या आप हमें इस छल कपट से मुक्ति नहीं दिलवा सकते? क्या हुआ, मौन क्यों है? बताइए ना, हमें मुक्ति नहीं दिलवा सकते? बताइए ना। तुम्हारा ये मौन प्रमाणित कर रहा है भले ही तुम असुर हो परंतु असुरों के कष्ट का तुम्हारे लिए कोई मोल नहीं, बल्कि आप अपनी इस कायरता को जकड़ के ही जीवन व्यतीत कीजिए पिताश्री। ठहरो, मैं घोड़ासुर हूं, प्रजापति ब्रह्मा के प्रति श्रद्धाशील अवश्य हूं, परंतु मैं कायर नहीं हूं, मैं स्वर्ग पर राज करूंगा। तुम सेना वाहिनी प्रस्तुत करो, अब स्वर्ग लोक पे उड़ेगी असुरों की विजय की ध्वजा। महादेव, स्वर्ग लोक पुनः संकट में है। घोड़ासुर नामक एक असुर अपनी सेना के साथ स्वर्ग लोक पे अधिकार जमा बैठा है। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? घोड़ासुर तो एक सात्विक प्रकृति का असुर है। मुझे भी यही प्रतीत हुआ था, यद्यपि उसे महाशक्तिधर होने का वरदान प्रदान किया था, परंतु उसका पुत्र वज्रदंड एवं असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने उसे देवताओं के विरुद्ध प्रदीप्त किया है। नारायण नारायण, प्रभु मुझे अब तक यह ज्ञात है कि पिता पुत्र को प्रभावित करता है, परंतु अब तो पुत्र पिता को भड़का रहा है। शक्ति की लालसा यदि धरती के मनुष्य को असुर में परिवर्तित कर सकती है तो घोड़ासुर तो जन्म से ही असुर है। केवल शक्ति की लालसा नहीं, घोड़ासुर देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहता है। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? अमृत मंथन का। अमृत मंथन के समय देवताओं ने संपूर्ण अमृत का स्वयं पान किया था और असुरों को उससे वंचित रखा, इसी बात का प्रतिशोध। नारायण नारायण, प्रभु यदा कदा मुझे प्रतीत होता है कि इस अमृत को पीने से असुरों को संपूर्ण रूप से वंचित रखना उचित नहीं हुआ। अमृत पान करके यदि असुरगण अमर हो जाते तो आजीवन काल तक वो लोग उस वरदान का दुरुपयोग करते। उचित कहा आपने प्रभु, आप लोगों से वरदान पाके यदि असुर सृष्टि का विनाश करने लगे हैं तो अमृत पान करने के पश्चात ना जाने और क्या क्या करते। महादेव, महादेव, क्या इसी क्षण घोड़ासुर के हाथों से मुक्ति पाने का कोई उपाय नहीं हमारे पास? विचलित ना हो देवराज इंद्र,
स्वर्ग लोग अति शीघ्र असुरों से मुक्त हो जाएगा। देवी ने कहा है, घोड़ा सुर का वध करके स्वर्ग लोगों को असुरों से मुक्त करके मैं शीघ्र ही बिंद पर्वत पे कुमारी के रूप में अवस्था करूंगी। परंतु इस घोड़ासुर को हम बिंदु पर्वत पे कैसे ले जाएंगे? क्यों? कुमारी के मुंह में ललायत होकर वो स्वयं ही बिंदु पर्वत तक आ जाएगा। किंतु वो अपनी रानी चंद्रवती के अलावा और किसी के मुंह में आकर्षित नहीं है। यह अत्यंत कठोर चरित्र का है। प्रभु, घोड़ासुर को बिंदु पर्वत तक लाने का दायित्व आप लोग मुझ पर छोड़ दीजिए। नारायण नारायण। युद्ध की चिंताओं में लीन होकर आप तो मेरे विषय में भूल ही गए हैं महाराज। इसके उपरांत सुना है कि स्वर्ग में उर्वशी, रंभा, मेनका जैसी स्वरूपा अप्सराएं हैं। तो क्या महाराज स्वर्ग के साथ साथ उन पर भी अधिकार स्थापित करेंगे? तुम तो अवगत हो चंद्रावती कि मेरे मन में बिंदु मात्र भी व्यभिचार नहीं है। तुम्हारे अतिरिक्त किसी और नारी के प्रति मुझे कोई आकर्षण नहीं है। नारायण 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 नारायण। ये क्या देवर्षि, आप अकस्मात इस असुर लोक में? अभी आप स्वर्ग के नवीन अधिपति हैं। आपके भय से समस्त देवताओं के प्राण निकलने को हैं। आप लोगों की वीरता की गाथा धरती लोक में शिशु, किशोर, वृद्ध सभी में धीरे धीरे प्रचलित हो रही है। यद्यपि सोचा अनमोल कुछ संपत्ति राशि की खोज विषय में मैं आपको सूचित कराऊं। अनमोल संपद? बिंद पर्वत पे मनोरम पर्यावरण में एक अपूर्व सुंदरी मनमोहक कुमारी अवस्थित है। चूंकि आप स्वर्ग के तत्कालीन अधिपति हैं, अतएव उस कुमारी पर अधिकार आपका ही है। जी, मैं भी महाराज से यही वर्णन कर रही थी।